हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आप सभी ठीक है ना? और घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना? ठीक है, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश में हम मैचिंग करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैचिंग करेंगे हम। ए और बी लिखा हुआ है, बी पे हमें पिक्चर दी गई है और ए पे लिखा हुआ है, तो हम मैचिंग करेंगे इस पे। ठीक है, ये लिखा है हेयर ब्रश। तो हेयर ब्रश, हेयर मीन्स बाल और बालों का ब्रश। तो हमारा हेयर ब्रश कहाँ है? ये रहा हमारा, तो हम इसके साथ इसको मैच कर देंगे। ठीक है, अब यह है टूथपेस्ट। हमारा टूथपेस्ट कहाँ है? ये रहा हमारा, है ना? तो हम इस पे इसको मैच कर देंगे। अब ये लिखा है थर्ड नंबर पे सोप। अब सोप मीन्स साबुन होता है, तो हम साबुन देखेंगे। ये है हमारा साबुन, तो हम इसको सोप पे ऐसे मैच कर देंगे। ये देखिए, ये लिखा है कॉम। अब हमारा कॉम मीन्स होता है कंघा, जिससे हम बाल काटते हैं। तो ये रहा हमारा कंघा, हम इस पे कॉम पे मैच कर देंगे। ठीक है, टॉवल। अब हमारा टॉवल कहाँ है? ठीक है, हमारा टॉवल कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा। तो ठीक है, टॉवल मीन्स तौलिया होता है ना, जिससे हम नहाते हैं। ठीक है, ये है नेन कटर। अब नेन कटर जिससे हम नखून काटते हैं, ये रहा हमारा, तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? पाउडर। पाउडर गर्मियों में हम पाउडर गले पे लगाते हैं ना, तो ये हमारा पाउडर है, हम इसको पाउडर को पाउडर से मैच कर देते हैं। अब लिखा है टूथ ब्रश। हम इससे ब्रश करते हैं ना सुबह उठते हैं, तो जब हमारा ये रहा ब्रश। ठीक है, अभी क्या है? कॉटन बर्ड्स। तो हमारी कहाँ है ये? हम इसको कान से कान साफ करते हैं ना, हम किसी भी यूज़ में ले सकते हैं, हम वैसे नॉर्मली कान को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ये क्या है? फ्लॉस। अब हमारा एक ही बचा है ना, ये रहा फ्लॉस, तो हम इसको फ्लॉस से इससे मैच कर देते हैं। ठीक है, अब तो आपको ये समझ में आ गया ना मैचिंग। ओके, थैंक यू।